नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन सहित अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और जापान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। पूरी दुनिया कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर है चिंताग्रस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों को कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर फैलाने वाले 3 YouTube चैनल को बंद करने के दिए निर्देश। थंबनेल का प्रयोग करके लोगों को सही खबर देने के नाम पर कर रहे थे गुमराह। और प्रदेश में मौसम विभाग ने दी घने कोहरे की चेतावनी। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी परिवहन विभाग की बसें। कृषि वैज्ञानिक ने दी फसलों के बचाव की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। कहा यह जा रहा है कि चीन में अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड संक्रमित शवों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है, क्योंकि चीन की राजधानी में वायरस तेजी से फैल रहा है। महामारी प्रतिबंधों में अचानक ढील देने के बाद चीन में हालात बेकाबू हो रहे हैं। बीजिंग में सोमवार को 2 लोगों की जान जाने के बाद मंगलवार को कोविड-19 से 5 और लोगों की मौत हो गई। हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों की ये आंकड़े चीन में फैले इस संक्रमण की कहानी को बयां कर रहे हैं। हालांकि चीन के आंकड़ों पर संदेह है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रसार व्यापक है। चीन ने 7 दिसंबर को नागरिकों के अनिवार्य परीक्षण की शर्त को भी हटा दिया है। कुछ अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की बाढ़ आ गई है। दवा दुकानों में दवाइयां खाली हो गई हैं, जबकि कई लोग स्वतः लगाए गए लॉकडाउन में चले गए हैं। आपूर्ति सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। चीन की GDP के आकार को देखते हुए, चीन की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए, वायरस से होने वाली मौत बाकी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका टीके के प्रावधान और वायरस के तीव्र चरण से उभरने में देशों की मदद करने में दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि चीन में भी जल्द ही ऐसा ही होगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सॉ स्वी हॉक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शोध के वाइस डीन एलेक्स कुक का कहना है कि किसी दूसरे देश में महामारी की हर नई लहर नए स्वरूप का जोखिम लाती है। चीन में जो जोखिम है वो बहुत बड़ा है और वर्तमान में इसका आकार बड़ा है। दवा की दुकानों में दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में आम नागरिक एक दूसरे की समय पर मदद करने के लिए आगे आए हैं। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के सुजो शहर में एक फार्मेसी मालिक ने अपने स्टॉक से इबुप्रोफेन मुफ्त में दिया। लागत लगभग 2000 युआन है। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, पैसा मायने नहीं रखता। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में 60% लोग, जो कि दुनिया की 10% आबादी के बराबर हैं, आने वाले महीनों में संक्रमित हो सकते हैं और 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश ने इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों को सभी पॉजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसका पता चले कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की गई।
वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 95 रोगियों की जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे गए हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 3 नए रोगी मिले हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग SARS-CoV-2 जीनोम मिक्स कंसोर्टियम की 17 लैब हैं, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। फर्जी खबर फैला रहे लाखों सब्सक्राइबर वाले 3 YouTube चैनलों पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के PIB विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि उनकी फैक्ट चेक यूनिट ने 3 YouTube चैनलों का भंडाफोड़ किया है, जो गलत सूचना फैला रहे थे। इन चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर थे। इनके वीडियो को 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। इन YouTube चैनल के नाम न्यूज हेडलाइंस, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव हैं। फर्जी सूचनाओं को फैलाने वाले इन चैनलों पर कार्रवाई की जा रही है। ये चैनल थंबनेल का इस्तेमाल करते थे, जिससे दर्शक इनकी खबरों को भरोसे को समझें। सरकार ने ऐसे YouTube चैनलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इन चैनलों पर अलग अलग विभागों की झूठी खबरें प्रसारित की जा रही थीं, जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। जनपद मिर्जापुर के विंध्यवासिनी स्वशासी मेडिकल कॉलेज में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी सुविधाओं सहित सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आकस्मिक व्यवस्था के लिए ग्रीन जोन और सामान्य मरीजों के लिए येलो जोन की व्यवस्था की गई। इसके लिए 20 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां लोगों को एम्स की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए 3 डॉक्टरों की टीम दिल्ली गई है, जहां ट्रेनिंग लेकर यहां बदलाव करेगी। डॉक्टर नर्स सभी इमरजेंसी सेवा के लिए ट्रेंड किए जाएंगे। इमरजेंसी के समय ये ट्रेंड लोग मरीजों को संभालने में सहायक होंगे। मैनेज किया जाता है, उसी भी आप पे हमने टीम भेजी थी और वो टीम हमारी वापस आई है। यहाँ की इमरजेंसी सेवा चल रही है। जो रिक्वायरमेंट है कम से कम 20 बेड होना चाहिए मिनिमम, और 20 से 40 बेड इमरजेंसी जो होते हैं, फिर उनके 4 क्राइटेरिया है, जो ट्राइज एरिया है, रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है, उस हिसाब से यहाँ पर जगह कम पड़ रही इमरजेंसी में। तो उसके हिसाब से हमारी जो टीम आई है, तो हमने कल वहाँ पर पिछकर जाके देखा है कि अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें और इमरजेंसी को कैसे बढ़ाएं। तो वहाँ हमने 2-3 जगह चिन्हित की हैं और इसको बहुत जल्दी जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट में जो पैरामीटर लागू हैं, वही हम यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। और अब बात झांसी की। झांसी में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे सैनिकों को सम्मानित करेगा। सैनिकों के कारण ही हम सीमा के अंदर शांति से अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसकी कीमत सैनिक सरहदों पर सर्दी, गर्मी और बरसात में अपनी सेवाएं देकर चुकाते हैं। इनकी सेवाओं का कोई मोल हम नहीं चुका सकते। इन्हें सम्मान देकर ही हम इनकी गरिमा को समाज में स्थापित कर सकते हैं। झांसी के सैनिक कल्याण विभाग सैनिक पुनर्मिलन समारोह के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जहां सैनिक और उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर नॉन पेंशनर और उनके आश्रितों को वस्त्र और चेक देकर सम्मानित किया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड वेटरन्स और जो हमारे पूजनीय सीनियर विधवाएं हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर की विधवाएं हैं 93 साल की, उन्होंने भी आज अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। झांसी एक गर्व से सम्मानित भूमि है और इससे जुड़े हमारे बहुत से वीरता और विशिष्ट सेवाओं से सम्मानित सैनिक भी जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगली खबर अमेठी से है। प्रदेश की ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजना और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में NH
56 बाईपास के निर्माण में 384 करोड़ रुपए के हुए घोटाले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगर घोटाला हुआ है और घोटाले की जांच में अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और निश्चित ही उसको दंड मिलना ही मिलना है। और अब बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रगतिशील है। इसी को लेकर आगामी 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट अपने उद्देश्य में सफल साबित हो इसके लिए जनपद मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों ने 4000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव में सहमति उद्योग विभाग को दे दी है। प्रदेश के उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शासन ने प्राप्त 9.5 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट टारगेट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जनपद मुरादाबाद में छोटे उद्यमी मेटल और हैंडीक्राफ्ट में अधिक निवेश कर रहे हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए विभाग की टीमें हर रोज उद्यमियों से संपर्क कर रही हैं। नए निवेश के आने के बाद विश्व स्तर पर पीतल नगरी का आर्थिक स्तर बढ़ेगा। 9.5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट का टारगेट प्राप्त हुआ है, जिसमें अब तक 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव में सहमति प्राप्त हो चुकी है हम लोग को, और हमारी जिले की मंडल की सभी टीमें लगातार इसी काम के लिए प्रयासरत हैं। रेगुलर सुबह से लेकर रात तक इसी काम में भ्रमण कर रही हैं। डेली करीब 400-500 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं हमारे पास। जो मुरादाबाद में जो बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे डिजाइनको का है, आई जनरेशन माल संभल में है, क्राफ्ट केयर ऑर्गेनिक्स है, भोलाराम पेपर मिल्स है, इस तरीके के कई सारे यूनिट हैं जिनका हमारे पास में बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। और अब बात मौसम की। शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह का मौसम कल के मुकाबले साफ रहा, लेकिन 2 दिन से घने कोहरे के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखी। 5 डिग्री सेल्सियस और ये माना जा रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस बीच पंजाब और हरियाणा के लिए मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने 2 दिनों के लिए जो शीतलहर है उसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश में आज कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रदेश भर में 21 से 25 दिसंबर तक कोहरा रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश बसों को मार्ग में पड़ने वाले बस स्टेशनों, ढाबा, थाना, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर कोहरा कम होने तक खड़ा कर दिया जाएगा। इसका निर्णय क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय स्थिति के अनुसार करेंगे। कोहरा छटने के बाद ही बसों का संचालन पुनः किया जाएगा। लगभग 1 माह तक कोहरे के दृष्टिगत बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है। परिवहन मंत्री के निर्देश मिलने के उपरांत परिवहन निगम मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्णय लिया गया है। यात्रियों, चालकों, परिचालकों के लिए स्टेशनों पर ठहरने, अलाव, शौचालय, साफ सफाई, सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय उपलब्ध कराएंगे। बस स्टेशनों पर स्थित कैंटीन, स्टॉल रात दिन खुले रहेंगे।
ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच भी की जाएगी। इस संबंध में एमडी परिवहन निगम द्वारा सभी क्षेत्रीय सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि बसों का संचालन रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि इसी दौरान कोहरा पड़ता है। यदि कोहरा नहीं है तो बसें संचालित होंगी या कोहरा खत्म होने पर बसें गंतव्य को जाएंगी। ये निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले कोहरे के कारण सोमवार को प्रदेश में कई हादसे हुए थे जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। वहीं श्रावस्ती में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, उसके साथ साथ कोहरे ने पूरे जनपद को अपनी आगोश में समेट लिया है। सड़कों पर पूरी तरह से धुंध छाया हुआ है। लोग अलाव जलाकर अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। सर्दी के कारण सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं और लोग जल्दी अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लोग घरों में भी आग के आसपास ही रह रहे हैं, जिससे ठंड से बचाव किया जा सके। मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले दिनों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम का प्रभाव फसलों पर भी पड़ेगा। इस विषय पर हमारे संवाददाता विकास सिंह ने बात की वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से। सर्दियां आ गई हैं और अब कोहरा भी प्रदेश में लगातार पड़ेगा, मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है। ये कोहरा और ये सर्दी क्या कुछ किसानों पर प्रभाव डालेगी, कृषि पर प्रभाव डालेगी, हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ ये मौसम फसल पे प्रभाव डालेगा। देखिए, जब हमारा तापमान 10 डिग्री से नीचे आता है, विशेषकर जब 8 डिग्री से नीचे जाता है, तो पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ठंडी के मौसम में कीड़े तो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उसका कोई विशेष कीड़ों का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो फफूंदनाशक बीमारियां हैं, विशेषकर आलू की फसल में अगेती और पछेती झुलसा जो लगती है, तो इससे बड़े पैमाने पे किसानों का नुकसान होता है। इसी तरह केला की फसल है, आप देखेंगे कि किसान भाई इस समय सोचता है कि जो ज़मीन में नमी दिखाई पड़ती है, चूँकि ओस पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो वो ऊपरी सतह पे ज़मीन पे लगता है कि हमारे खेत में नमी है, लेकिन उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में झूठी नमी बोलते हैं कि ऊपर नमी दिखाई पड़ रही लेकिन नीचे नमी नहीं होता। इस कारण से आप देखेंगे जो खेत में गन्ना खड़ा है, केला खड़ा है और सब्जियों की फसल है, वो पीली पड़ने लगती हैं। तो किसान भाई इस समय उस जमीन का तापमान बढ़ाने के लिए सिंचाई अवश्य करें। हमारे गेहूं के लिए तो ठंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे हमारा सब्जी है, दलहन है, तिलहन है, केला की फसल है, उनके लिए नुकसानदेह है। और विशेषकर मैं आग्रह करूंगा जो हमारे आलू उत्पादक किसान हैं, को बचाव के रूप में फफूंदनाशक का अवश्य छिड़काव करें। हर 15 दिन पे अगर वो छिड़काव करेंगे तो जो अगेती झुलसा पछेती झुलसा लगती है वो नहीं लगेगी, तो इससे किसान का जो नुकसान होता है उसका बचाव हो सकता है। बता रहे थे कृषि वैज्ञानिक कि किस तरीके से किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं और उत्पादन उनका बेहतर हो, नुकसान कम हो, इसके लिए जो उन्होंने उपाय बताए हैं उस पर गौर फरमाते हुए एक अच्छे उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद के टुंडला कंपनी बाग स्पोर्ट्स ग्राउंड में यूपी डीएसए दिव्यांग टीम, राजस्थान और टुंडला रेलवे की सामान्य टीम के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग टीम ने 53 रन से जीत हासिल कर लोगों को एहसास दिला दिया कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं है। दिव्यांग टीम ने बैशाखी और लाठी के सहारे दौड़ दौड़कर इस तरह से खेल को खेला जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो। उन्होंने संदेश दिया कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं, बल्कि दिव्यांग भी समान व्यक्ति से बेहतर काम कर सकता है, जिसके साहस को बनाए रखना है। इस मैच को देखकर हर कोई आश्चर्य कर रहा था। मैच में खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों की धुन से जोरदार स्वागत किया गया। नॉर्मल प्लेयर हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला चल रहा है और हमारी पूरी जो दिव्यांग टीम है वो है। इस टूर्नामेंट को
आपको बताऊं कि इसकी खैती क्या है कि हमारे दिव्यांग समाज में जो लोग जो सोचते थे कि दिव्यांगता अभिशाप है, उस अभिशाप को प्लेटफॉर्म मिला है एक लौता। दीक्षित सर ने जो हम लोगों को मौका दिया उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। यहाँ पे आके यहाँ की जनता का प्यार, सभी लोगों का जो एक मोटिव होता है वो एकदम हम लोगों को जीने की एक नई राह दे समाज के लिए। सर बस एक ही लाइन कहूंगा, हमारे पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कमजोर को कमजोर ना समझो और ना समझो बेकार, और जहां सुई काम आ जाए वहां क्या करेगी तलवार। वास्तव में सही बात है, जैसे कि एक फैमिली में अगर कोई बच्चा दिव्यांग होता है तो उसको फैमिली वाले ही बोलते हैं नहीं यार ये तो अभी दिव्यांग हो गया और अभी तो इसका कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कंडीशन के हिसाब से जो अभी दिव्यांग जो चल रही है टीम, अभी मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अभी ऐसे इंडियन टीम का कैप्टन हूँ और अभी इस समय नेक्स्ट मंथ जो हमारा चेपॉक इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो अभी मैं इंडियन दिव्यांग टीम का कैप्टन होकर के बाकी ये जो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ हैंडीकैप लोग भीख मांगते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, उनको देख करके भी मुझे इतनी शर्म आती है कि वो बंदा भी कुछ कर सकता है, अगर अपने दिल के अंदर कुछ झांकेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं तो फिर अन्यथा जैसे पड़े हो वैसे पड़ते हो। और अब बात प्रयागराज की। प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए पर्यटन में अभी तक 249 करोड़ रुपए के निवेश के करार से इसकी शुरुआत हुई है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ को लेकर अभी से निवेशकों के अंदर निवेश की रुचि दिखने लगी है। प्रयागराज कुंभ 2019 का प्रदेश सरकार ने जिस भव्य और दिव्य अंदाज में आयोजन किया उससे त्रिवेणी की पावन भूमि पर 24 करोड़ से अधिक लोगों का यहां आगमन हुआ था। 2025 में प्रयागराज के आगामी महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। आगंतुकों की यह संख्या अपने साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं भी साथ लाएगी। प्रदेश सरकार में पर्यटन नीति अनुमन्य प्रोत्साहन के लिए 22 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है, जिसमें वेलनेस रिजॉर्ट, हेरिटेज होम स्टे, बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, इको टूरिज्म की इकाइयां, कारवा टूरिज्म यूनिट, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा, धर्मशालाएं, ऑल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय, झील, वेलनेस टूरिज्म तथा एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल हैं। है इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे कोई बजट होटल खोलना चाहता है या फिर होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि किसी भी क्षेत्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हम उसको कुछ रियायत दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। इसके लिए हम जो है अपने पर्यटन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी हम जो है निवेशकों के साथ भी वन टू वन इंटरेक्शन करके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को इसमें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। अभी तक प्रयागराज में 249 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है अलग अलग फील्ड में, और आगे भी हम चाहते हैं कि महाकुंभ 2025 से पहले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके नए होटल्स, अच्छे क्लास के होटल्स यहाँ पे लें। अगली खबर फतेहपुर से है। जनपद फतेहपुर के गढ़ी गांव में नाबार्ड और बड़ौदा ग्रामीण बैंक के संयुक्त तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय उत्पाद और बढ़ते साइबर क्राइम से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। बड़ौदा ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों को नाबार्ड की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ बैंक द्वारा शुरू किए गए जेएलजी ग्रुप के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का बैंक के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। नेता समूह कैसे बनाया जाता है और सुरक्षा जीवन ज्योति जीवन बीमा के बताए गए कि एक वो दुर्घटना जीवन बीमा योजना और समूह कैसे चलाना है सर, इसके बारे में बताया गया। और जैसे फ्रॉड होते हैं सब उसमें मोबाइलों द्वारा जैसे बैंकों से पैसे निकल गए, कैसे क्या करना है सर, इनको बताया गया। सब महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने समूह से जुड़िए और अपने बैंक जाइए, बैंक से जाकर छोटे अपनी रोजगारी चला सकते हैं और उससे कोई भी अपना कारोबार कर सकते। और मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो हमारे वित्तीय उत्पाद हैं, विशेषकर जो केंद्र सरकार की बीमा योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, इनसे ग्रामीण जनों को परिचित कराना, इनके लाभों से परिचित कराना, कैसे ये उनके जीवन को बेहतर बना सकती है ये उनको बताना, प्लस आजकल बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं साइबर फ्रॉड की, फ्रॉड
फ्रॉडस्टर जो हैं वो मोबाइल पे बहुत सारी जानकारियां ग्रामीण जनों से आसानी से निकाल लेते हैं और फिर उनके खाते से पैसा चला जाता है। इसके अलावा अंगूठा लगाकर पैसा निकालने का प्रचलन बहुत है सेवा केंद्रों में, और भी कई संस्थाएं ऐसा करती हैं बायोमेट्रिक से पैसा निकालने वाला काम। इसका भी फ़ायदा उठाकर कुछ एजेंसियां, कुछ फ्रॉडस्टर्स दुरुपयोग करते हैं, पैसा निकल जाता है, तो उनके प्रति भी आगाह करना था। और अब बात अयोध्या की। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार अयोध्या को पर्यटकों और राम भक्तों के लिए आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में एक डिजिटल रामायण गैलरी भी स्थापित की गई है। इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। प्रथम ट्रायल जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित प्रशासन और पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों के समक्ष संपन्न हुआ, जिसमें गैलरी के चारों भाग से संबंधित प्रदर्शन किए गए। गैलरी का प्रथम भाग अयोध्या के स्थापत्य और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी से सुसज्जित है और दूसरा भाग रामायण के प्रसंगों से सजाया गया है। तीसरे भाग में भी सीता हरण से लेकर रावण वध और राम राज्याभिषेक तक के प्रसंग शामिल हैं। अंतिम और चौथे भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नारी सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और भातृ प्रेम जैसे संदेश के साथ ही देश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित रामायण की जानकारी शामिल है। नहीं, अभी ट्रायल रन हम लोग कर रहे हैं इसको। यहाँ पे चार स्क्रीन लगे हुए हैं जो कि राम कथा के विभिन्न संदर्भों को दिखाएंगे, और एक अयोध्या का संदर्भ होगा, अयोध्या के इतिहास के बारे में बताई जाएगी, फिर राम कथा का और राम कथा का क्या महत्व है और उसके समाज पे क्या प्रभाव है उसको दिखाया जाएगा इसमें। अभी हम लोग ट्रायल रन करेंगे, 10 से 15 दिन अभी ट्रायल रन होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि समाज के जो नागरिकगण हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे बच्चे, स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको अलग अलग हम लोग टाइमिंग देके शोज दिखाएंगे इसको। तो ये ट्रायल रन 10 से 15 दिनों तक चलेगा, उसके बाद उसमें कुछ करेक्शंस वगैरह अगर देखेंगे उसके बाद फिर फाइनल आउटपुट निकलेगा, उसके बाद हम लोग इसको इनॉग्रेशन पर विचार करेंगे। तो अभी से हम लोग 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हम इसको पूरा एक फाइनल टच देते हुए इसको ट्रायल रन शुरू करेंगे। जनपद बलरामपुर में इंडियन बैंक के तत्वाधान में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 2,485 लाभार्थियों को 111.4 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। मेगा क्रेडिट कैंप में जिले के सभी बैंकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लोगों को सरकार की विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देकर लाभ उठाने को कहा गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को इस क्रेडिट कैंप में ऋण दिया गया। अनुसार आज हमारे जनपद बलरामपुर में एक विशाल मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के विभिन्न बैंकों से आच्छादित, उनसे लाभान्वित सभी उद्यमियों को अभी हम लोगों ने एक प्रमाण पत्र दे करके उनको सम्मानित करने का काम किया है। स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों की। और समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन सहित अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया और जापान में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि। पूरी दुनिया कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर है चिंताग्रस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र ने राज्यों को कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के दिए निर्देश। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनल को बंद करने के दिए निर्देश। थंबनेल का प्रयोग करके लोगों को सही खबर देने के नाम पर कर रहे थे गुमराह। और प्रदेश में मौसम विभाग ने दी घने कोहरे की चेतावनी। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी परिवहन विभाग की बसें। कृषि वैज्ञानिक ने दी फसलों के बचाव की जानकारी। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।